सलमान खान के नए लुक ने फैंस को बनाया दीवाना। लेह लद्दाख से शेयर की तस्वीर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म कभी कभी दिवाली को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिलहाल वह फिल्म की शूटिंग के लिए पूजा हेगड़े के साथ लेह लद्दाख पर गए हुए हैं। यहाँ वह गानों की शूटिंग कर रहे हैं। इसी शूटिंग के बीच से उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके लंबे बालों ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह कैमरा की ओर पीट करके खड़े हैं और हवा की वजह से उनके लंबे बाल उड़ते दिखाई दे रहे हैं। फुल ब्लैक आउटफिट के साथ ब्लैक चश्मा और जूते पहने सलमान के पास एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है। फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन लिखा, लेह लद्दाख। यह तस्वीर फैंस को बेहद पसंद आई है और इस पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं। बता दें, सलमान खान की फिल्म कभी कभी दिवाली को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, राघव जुआल, पलक तिवाड़ी, सिद्धार्थ निगम और वेंकटेश नज़र आने वाले हैं। फिल्म को 30 दिसंबर 2022 को रिलीज़ करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सलमान खान टाइगर 3 में कटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा वह जैकलिन फर्नांडिस के साथ किक 2 में भी दिखाई देंगे। वैसे आपको भाईजान की यह तस्वीर कैसी लगी, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।